Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में देखने वाली आकृति को जो लेकर जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष उसे वजू खाने का फव्वारा बता रहा है। ऐसे में यह भी सवाल हो रहा है कि क्या यह वही शिवलिंग हो सकता है जो कभी प्राचीन पन्ना का शिवलिंग हुआ करता था। इस बारे में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत जायसवाल कहते हैं कि शैव आगरम ग्रंथों में कहा गया है कि कोई भी इस महान परमेश्वर शिव की पूजा मिट्टी, रेत, गाय के गोबर, लकड़ी, पीतल या पत्थर से बने शिवलिंग द्वारा कर सकता है, लेकिन शुद्धतम शिवलिंग स्फटिक से बना होता है। यह पत्थर मनुष्य द्वारा तराशा नहीं जाता है, प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जब हम मानव निर्मित प्रस्तर शिवलिंग की बात करते हैं तो पन्ना शिवलिंग विशेष का महत्व है, जिसे पन्ना नामक हरे रंग के कीमती रत्न से बनाया जाता है। वाराणसी में सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग मिला है उसे भी पन्ना निर्मित बताया जा रहा है। अगर ऐतिहासिक तथ्यों को देखो तो पता चलता है कि 1585 ईस्वी के अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने दक्षिण भारत के विद्वान पंडित नारायण भट्ट ग्रंथ त्रिस्थली सेतु सन 1580 ईस्वी की मदद से विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि नारायण भट्ट दक्षिण भारत से थे और दक्षिण भारत में पन्ना शिवलिंग का प्रश्नल काफी पहले से था। तो यह बिल्कुल संभव है कि जो शिवलिंग उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया था वह भी पन्ने का बना हुआ है। डॉक्टर विनोद जायसवाल बोले, ऐसा भी विवरण मिलता है कि दक्षिण भारत के द महाराजा राजेंद्र चोल ने पूर्वी एशिया से एक पन्ने का शिवलिंग नागपट्टनम के पास थिरुकोक्कुवलाई में स्थित त्यागराज स्वामी मंदिर को दान दिया था। इसमें भी पन्ना शिवलिंग का महत्व स्पष्ट है। इस बारे में आगे जानकारी देते हुए काशी विश्वनाथ के मंदिर पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जिसे तहखाना कहा जाता है, दरअसल वह असलियत में मंदिर का मंडपम है। उन्होंने आगे बताया कि उनके परिवार के नारायण भट्ट ने ही पन्ने का शिवलिंग स्थापित कराया था, जिस वक्त 90 के दशक में वाराणसी के DM सौरभ चंद्र श्रीवास्तव ने मंडपम पर ताला लगवाया था। उस समय वहां फोटोग्राफी भी हुई थी और वह खुद इस घटना के गवाह थे और उन्होंने देखा भी था कि नंदी के ठीक सामने पन्ना का शिवलिंग स्थापित है। खैर, इन मामलों को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि जो कोर्ट का आदेश होता है वो आखिरकार क्या होता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.